मार चुका हूं, ये क्लेम और किक बाहर हो चुका। डाड़ी वाला मॉन्स्टर जॉन मोर्सन, WWE का शाहरुख खान, दर्द डिस्को वाला। ये एक और मकोड़ा आ चुका है, ये भी मकोड़े की श्रेणी में है। कौन टिकता है, वे प्रोटीन, देसी घी और या फिर कचरा? ड्रू मैकइंटायर, अनिल कपूर का भाई ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर कर चुका है नंबर वन पर अपनी एंट्री। दोस्तों आपको पता होगा, ब्रॉक लेसनर ने कहा है कि वो 29 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर बन जाएगा 2020 का रॉयल रंबल विनर। तो क्या ऐसा होगा, आज पता चल जाएगा आपको। नंबर टू पर कौन एंट्री करेगा, केन वेलास्केज या फिर बॉबी लेस्ली, ड्रू मैकइंटायर, कॉफी किंगस्टन, कौन? Elias. जो चीज हम सोचते हैं ना वो कभी नहीं होती। हमको लगा था कि नंबर टू पर केन वेलास्केज एंट्री करेगा, एज एंट्री कर सकता है, लेकिन एलायस जॉनसन आता है, एलायस को शिकार बनाता है, अंडरटेकर आता है, एलायस को शिकार बनाता है, बॉबी लेस्ली अपना रिटर्न करता है तो एलायस को शिकार बनाता है। मतलब कि हर कोई सुपरस्टार जब भी WWE में अपना रिटर्न करता है या आता है तो एलायस को बलि का बकरा बनाता है। क्यों पता नहीं, जर्मन सुप्लेक्स सिटी, जर्मन सुप्लेक्स सिटी, ये देखिए हो गया भाग। मुझे सदा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर द बीस्ट इनकॉर्नेट थोड़ी देर भी टिक गया ना WWE की रॉयल रंबल में, तो उसे एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा। There you see Heyman showing everybody what this is all about. This is what Brock. पहले सुपरस्टार एलिमिनेट हो चुका है, अब नंबर थ्री पे कौन एंट्री? दाढ़ी वाला भूत मॉन्स्टर, जो छोटे मोटे सुपरस्टार के सामने काफी तगड़ा बनता है, एरिक रोवन। आज पता चलेगा कितना तगड़ा सुपरस्टार है ये। देखिए मैंने कहा था ना, छोटे मोटे सुपरस्टार के आगे काफी तगड़ा बनता है, लेकिन द बीस्ट के आगे ये दाढ़ी वाला मॉन्स्टर फीका पड़ गया। ऐसे मॉन्स्टर का क्या फायदा जो छोटे मोटे सुपरस्टार के आगे अपना दम दिखाता है। TNA का ट्रिपल एच, इसे मैं TNA का ट्रिपल एच बोलता हूँ, क्योंकि जब ये TNA में था इसके बड़े बड़े बाल थे और ये ट्रिपल एच जैसा लगता था मुझे थोड़ा बहुत। ये क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। F5 कर दिया ब्रॉक लेसनर ने और बाहर, ये भी बाहर। नंबर 5 पे कौन आएगा, जॉन मोर्सन, WWE का शाहरुख खान, दर्द डिस्को वाला, वो हसीना, वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, ये क्या? शाहरुख खान भी बाहर, दर्द डिस्को वाला शाहरुख खान बाहर हो चुका है। नंबर 5 पे आया था ये, 5 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर चुका है द बीस्ट। कभी ऐसा ना हो कि ये रोमन रेंस का रिकॉर्ड तोड़ दे। मकोड़ा भी आ चुका है, कॉफी किंगस्टन, द बीस्ट क्या नहीं टिक पाएगा मकोड़ा, क्या पता कर भी दे एलिमिनेट। कर सकता है नहीं एलिमिनेट नहीं कर सकता, अब नहीं कर पाएगा। पुलाका 619 रे मिस्टीरियो और कॉफी किंगस्टन, क्या पता दोनों मिलके कर दे एलिमिनेट और हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए रेसलमेनिया में। 2006 Royal Rumble, 2 former world champions at the same time. एक बात समझ नहीं आई, बदला नहीं लिया बदला लूंगा, फिर लेके आया केन वेलास्केज को और आज भी अगर बदला नहीं ले पाया तो भाई तू नहीं ले सकता द बीस्ट से अपना बदला। नंबर 8 पे कौन आएगा, वो कभी केन वेलास्केज आ जाए, बिगी। दोस्तों एक बात बताओ, अगर द बीस्ट इनकॉर्नेट वो सुपरस्टार है जो वे प्रोटीन पीकर बॉडी बनाता है और बिगी वो सुपरस्टार है जो कचरा खा के बॉडी बनाता है। ये देखिए, ये देखो, ये अब लगता है 619 में लग चुका है, पैराडाइज में लग चुका है और रेमिस्टर बाहर, बिगी भी बाहर, चाट पकौड़े खाने वाला सुपरस्टार बाहर हो गया, कचरा खा के बॉडी बनाने वाला सुपरस्टार बाहर हो चुका है और ये मकोड़ा भी बाहर।
नौवें नंबर पे सिजारो, सिजारो ट्राइंग टू डू व्हाट नो वन अपर पे सिजारो का एंड लेस्टर नाउ व्हाट अ सुपर बैक टू ये देखिए सिजारो भी बाहर एवरी सिंगल मैन हु हैज एंटर्ड 8 सुपरस्टार एलिमिनेट हो चुके हैं. रोमन रेंस का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये तोड़ देगा. नंबर 10 पे शेल्टन बेंजामिन, पहला सरप्राइज रिटर्न. ये द बीस्ट इन कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का दोस्त है बचपन का, दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी, दोनों एक साथ टैग टीम चैंपियन बने थे, दोनों मिलके नहीं नहीं मैं मान ही नहीं सकता था कि ब्रॉक लेसनर किसी के साथ मिलकर एलिमिनेट करेगा. ब्रॉक लेसनर अपने रास्ते पर खेला चलता है, फिर चाहे वो हील के कैरेक्टर में हो चाहे फेस के कैरेक्टर में हो. मुझे द बीस्ट की एक बात सबसे अच्छी लगती है कि वो किसी के साथ मिलकर नहीं चलता, वो अकेले चलता अपने रास्ते पे, और अकेले चलने वाले ही लोग कामयाब होते हैं. ये एक और मकोड़ा आ चुका है, ये भी मकोड़े की श्रेणी में है. शेल्टन बेंजामिन नहीं है ये, सॉरी शेल्टन बेंजामिन नहीं, ये है हमारा नाकामोरा, मकोड़ा नाकामोरा. ये भी बाहर. MVP, तीन सरप्राइज रिटर्न जिसमें से दो कर चुके हैं. MVP कर चुका है शेल्टन बेंजामिन कर चुका है, और हमको लग रहा था कि CM Punk आएगा, द रॉक रिटर्न करेगा, जॉन सीना करेगा, लेकिन दो ने कर चुके हैं और अब एक रह चुका है, अब उसमें कीथ ली आएगा. ये देखिए MVP भी बाहर. ऐसे ऐसे नमूने को रिटर्न करने के लिए बोला है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बताओ यार. ये है दमदार कीथ ली. ये भी वही है, मतलब एक तरफ है द बीस्ट जिसने वे प्रोटीन पीकर बॉडी बनाई है, और दूसरी तरफ है कीथ ली जिसने चाट पकौड़े खाकर बॉडी बनाई है, कचरा खा के बॉडी बनाई है. देखते हैं कौन टिकता है, वे प्रोटीन या फिर कचरा. वैसे एक बात भाई, होश उड़ा दिए ब्रोक के, होश उड़ा दिए भाई, मानना पड़ेगा. कचरा भारी पड़ गया तो नहीं. ब्रॉन स्ट्रोमैन अब शायद, क्या पता है दोनों को एलिमिनेट कर दें, कीथ ली को भी और ब्रॉक को भी. दोस्तों एक तरफ है कचरा खाने वाला सुपरस्टार कीथ ली, दूसरी तरफ है देसी घी खा के बॉडी बनाने वाला सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन, और तीसरी तरफ है वे प्रोटीन पीकर बॉडी बनाने वाला सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर. कौन टिकता है, वे प्रोटीन, देसी घी, और या फिर कचरा. कचरा, ओ ये देखिए, मतलब दोनों को एलिमिनेट. अरे भगवान, मुझे ऐसे ही लगता है ये जब भी कोई तगड़े सुपरस्टार या जाइंट सुपरस्टार आता है ना, तो ऐसा ही होता है, वो दोनों ये भूल जाते हैं कि हमें किसको एलिमिनेट करना है, और दोनों एक दूसरे पर, मतलब कि एक दूसरे को अपना शिकार बनाते हैं कि हम पहले एक दूसरे को एलिमिनेट करें, बल्कि इनको सोचने चाहते कि पहले ब्रॉक को एलिमिनेट करने के लिए. इनके तो दिमाग नहीं होता, इनके अंदर गधे वाला दिमाग होता है कि मतलब जिसको एलिमिनेट करना है उसको नहीं कर रहे, आपस में लड़ रहे हैं. ड्रू मैकइंटायर, अनिल कपूर का भाई ड्रू मैकइंटायर आ चुका है. ड्रू मैकइंटायर ये है टक्कर का सुपरस्टार, अब लग रहा है कि हवा को टक्कर का. ये देखिए लोब लो, रिकोशेट लोब लो, मार चुका. ओ ये क्लेमोर किक बाहर हो चुका, कर दिया बाहर. क्या था ये, ओ रिकोशेट भी बाहर. वाकई में 2020 ड्रू मैकइंटायर का ही निकला सही में. मतलब दोस्तों ये हाईलाइट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब द बीस्ट इन कॉर्नेट को ड्रू मैकइंटायर ने एलिमिनेट किया, तो मानो गिरी 5 मिनट तक कम से कम घूर घूर के देख रहा था द बीस्ट को ड्रू मैकइंटायर, और ये अभी भी देख लिए जैसे कि आप देख सकते हैं. ये देखिए एक और क्लेम और की मिज भी बाहर. मतलब जब ड्रू मैकइंटायर जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रॉक को देख रहा था घूर घूर के, तो उस टाइम लग रहा था कि हाँ हम वाकई में एटीट्यूड एरा वाली फाइट देख रहे हैं, दोनों ही तगड़े सुपरस्टार. मतलब लग रहा था कि हाँ भाई किसी बंदे ने द बीस्ट को एलिमिनेट किया है. ऐसा होता है, ये नहीं कि सेथ रोलिंस आ गया लोब लो मारा और बाहर कर दे, तो वो ऐसा लगता है कि ओवर पुश है, लेकिन यहां वाकई में दोनों दमदार बंदे थे. मानना पड़ेगा द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को कर चुका है एलिमिनेट, ड्रू मैकइंटायर कर चुका है एलिमिनेट. दोस्तों जैसे कि आपने देखा ड्रू मैकइंटायर ने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया है, और रॉयल रंबल जीत भी चुका है ड्रू मैकइंटायर, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एलिमिनेट करने वाली वीडियो दिखाई कि किस तरह से ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया है.
दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने वादा किया था कि 2020 उसका होगा और उसने अपना वादा पूरा कर लिया है एलिमिनेट कर ब्रॉक लेसनर को और रॉयल रंबल जीत कर। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मेरे को अच्छी लगी ड्रू मैकइंटायर की वो ये कि क्लेम और किक मारने के बाद कम से कम 5 मिनट तक लगातार द बीस्ट को एक ही नज़र से ऐसे करके देखना, मतलब कि लग रहा था कि हाँ भाई किसी दमदार बंदे ने एलिमिनेट किया है। वो बात अलग है कि रिकोशेट ने पीछे से आगे लोग का इस्तेमाल किया, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने एलिमिनेट किया ये मानना पड़ेगा। भले ही उसमें आधे से ज़्यादा योगदान रिकोशेट का हो, लेकिन एलिमिनेट ड्रू मैकइंटायर ने किया है। इसके अलावा दोस्तों अब बात ये आती है कि ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया 36 में द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएगा न्यू WWE चैंपियन, ये तो हमें रेसलमेनिया 36 में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।